मकान और ज़मीन बेचने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को विकल्प दिया है कि वो कम टैक्स दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। देखिए खास रिपोर्ट। अगर आप अपना कोई मकान या जमीन खरीदने के 2 साल बाद बेचते हैं तो आपके पास विकल्प होगा कि आप चाहें तो नई व्यवस्था के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दें या नई व्यवस्था के तहत। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अगर आप 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदे मकान या जमीन को बेचते हैं तो आप या तो पुरानी व्यवस्था यानी 20% टैक्स, साथ में इंडेक्सेशन यानी महंगाई के असर के हिसाब से टैक्स चुका सकते हैं, या फिर नई व्यवस्था यानी सीधा 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के भी LTCG निकाल सकते हैं। दोनों में जिस व्यवस्था में आपका टैक्स कम बन रहा हो आप उसे चुनकर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मेरे विचार में ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है और इससे सब टैक्स पेयर को लाभ होगा, क्योंकि जहां पर जिन लोगों के प्रॉपर्टी के दाम बड़ी तेजी से बढ़े हैं वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट छोड़कर 12.5% की दर से टैक्स पे कर सकते हैं, और जहां पर प्रॉपर्टी के दाम इतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं तो उनके पास 20% और इंडेक्सेशन के बेनिफिट वाली ऑप्शन भी रहेगी। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपने 80 लाख रुपए का एक मकान 1 अप्रैल 2018 को खरीदा, 7 अगस्त 2024 को आपने वो मकान 95 लाख रुपए में बेच दिया। पुरानी व्यवस्था के तहत इंडेक्सेशन यानी महंगाई के असर को एडजस्ट करने पर मकान की कीमत हुई 1.3 करोड़। इस हिसाब से आपने मकान तो 80 लाख रुपए का खरीदा लेकिन बेचते समय उसकी अनुमानित कीमत 1.3 करोड़ हुई, तो उसको 95 लाख रुपए में बेचने पर आपको फायदा नहीं नुकसान हुआ। ऐसे में आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती। लेकिन नई व्यवस्था में 80 लाख रुपए का मकान 95 लाख रुपए का बेचने पर 15 लाख रुपए का फायदा माना जाएगा और इस तरह 12.5% का टैक्स यानी 1,87,000 रुपए बनेगा। ऐसे में मकान बेचने वाला पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे सकता है। दरअसल हुआ ये था कि 23 जुलाई को जब केंद्र सरकार का बजट सामने आया तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि आप अगर मकान या ज़मीन बेचते हैं तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको तो घटाकर 20% से 12.5% कर दिया गया था, लेकिन जो 20% के साथ आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था, महंगाई का जो एडजस्टमेंट आप किया करते थे, वो अब 12.5% वाली व्यवस्था में ख़त्म कर दिया गया था। और उसकी वजह से हो ये रहा था कि बहुत से मामलों में ये दिखाई दे रहा था कि भले ही सरकार ने टैक्स कम कर दिया लेकिन क्योंकि इंडेक्सेशन नाम की चीज़ हटा दी, महंगाई के एडजस्टमेंट की व्यवस्था हटा दी, तो उस वजह से टैक्स कम होने के बावजूद भी लोगों को पहले से ज़्यादा टैक्स की देनदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी, सवाल उठ रहे थे। और इसकी वजह से सरकार ने अब ये फैसला किया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगेगा, यानी कि पहले की जो प्रॉपर्टियाँ जो खरीदी जा चुकी हैं उन पर नहीं लगेगा, यानी 23 जुलाई से पहले जो आपने खरीदी है उस पर आप पुरानी व्यवस्था के तहत भी टैक्स दे सकते हैं और नई व्यवस्था के तहत भी टैक्स दे सकते हैं, जो आपको कम दिखाई दे रहा है उसके तहत आप दे सकते हैं। लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी उसको 2 साल के बाद बेचने पर सीधा 12.5% LTCG देना होगा। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।